एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली है कि मैंगो मिल्क शेक, क्योंकि आजकल सबके घर में आम मिलते हैं। मुझे पता ही होगा आपके घर में भी होगा, तो मैं आज मैंगो मिल्क शेक बनाऊंगी। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। और मैं उसको बनाकर बहुत अच्छे से बनाकर पीने वाली है, तो मैं बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ देखो देखो देखो, लास्ट तक देखना ही है। और इसको मैं बेले से काट लिया है, और इसको मैं अभी ग्रेन करने के बाद दिखाऊंगी। और अभी मैं ऐड करेंगे मिल्क, और उसके बाद पे और एक बार ग्रेन करना है। और अभी मैं ऐड करेंगे आइस मैंगो, आइस किया हुआ मैंगो है ठंडे होने के लिए ना। वाओ, बहुत अच्छे से हो गया। मैंने यहाँ शुगर ऐड नहीं किया, क्योंकि हमारे आम है ना, ये बहुत मीठा है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपका आम खट्टा होता है तो आप ज़रूर शुगर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये आम है बहुत खट्टा ही नहीं है, बहुत ही मीठा है, थोड़ा भी खट्टा नहीं लगता है, इसलिए मैंने शुगर नहीं ऐड किया। फिर भी बहुत मीठा है, लेकिन आप लोग अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका आम खट्टा होता है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। देखो देखो। और अभी मैं ऐड करने वाली हूँ ये आलमंड्स, और ये है हमारा मैंगो मिल्क शेक तैयार हो गया पीने के लिए। बहुत ही मीठा होने वाले है, और बहुत खत्म भी हो गया, बहुत टेस्टी होने वाला है। अभी हम ट्राई करेंगे। यम्मी है। टेस्टी है। हाँ। बहुत ही ना। हाँ। देखो यार कैसा लगा। अच्छा अच्छा। और आपको? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। हाँ। टेस्टी है ना। हाँ। बियो बियो। लास्टली लास्टली आम को नहीं दिया तो क्या किया। ड्राई नट्स थाने से बहुत अच्छे बहुत ही यम्मी। क्रीमी क्रीमी है। Thank you.
देने के लिए। और अगर आपके घर में भी आम है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है। ऐसे आम जैसे नहीं लगता है, वो बहुत क्रीमी क्रीमी लगता है ना, तो पीने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी बहुत सारे बना के खाओ पियो और खुश रहो। बहुत गर्मी है तो ये पीने से अच्छा फील होता है ना, इसकी वजह से आप लोग भी बना कर पीजिए। अगर आम तो आजकल तो सीजन है, सबके घर में होता है, तो आप लोग बहुत इजी से ट्राई कर सकते हैं ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और ट्राई करके खाजिए, ट्राई कर पियो, खाना नहीं पीना है, पियो। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में और मुलाकात होंगे। शुक्रिया।